गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना EVS का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज बर्ड्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स, मतलब पक्षी और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स विद फीदर्स ऑन देयर बॉडी, दे हैव ए बीक, ए पेयर ऑफ विंग्स इंस्टेड ऑफ लिम्ब्स एंड टू लेग्स विद क्लॉज। देखो बच्चों, यहाँ पे आप पूरा एक बर्ड दिया गया है, इसमें देखो पहले क्या टेल, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं ट्रंक, और यहाँ पे फीदर्स। फीदर्स क्या होते हैं बच्चों, जो आपके विंग्स होते हैं ना, ये विंग्स के पीछे ही आपके क्या होते हैं बच्चों, फीदर्स होते हैं। हिंदी में दोनों का मतलब पंख ही होता है, क्योंकि ये एक ही पार्ट है, लेकिन हम जो आगे वाला हिस्सा उसको विंग्स बोलते हैं और पीछे वाले को हम फीदर्स बोलते हैं, ठीक है। फीदर्स जो विंग्स होते हैं ये आपके मसल्स वगैरह के बने हुए होते हैं, लेकिन जो आपके फीदर होते हैं बच्चों, किस तरह का प्रोटीन होता है उससे बने हुए होते हैं। ये इनका हेड दिखाई दिया दे रहा है आपको, ये नेक, आगे इनके क्लॉज, और पीछे ये जो है क्लॉज, मतलब जो इनके पंजे होते हैं इनको क्लॉज, और जो यहाँ पे क्लॉज के पीछे वाला हिस्सा इसको हम लेग्स बोलते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स ही हमारे एक ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी पे क्या होते हैं बच्चों, फीदर्स होते हैं, चोच होती है, और इनके क्या होते हैं विंग्स होते हैं, इनके लिम्ब्स नहीं होते हैं, और दो इनके लेग्स होते हैं जिनमें क्या लगे हुए होते हैं बच्चों, क्लॉज लगे हुए होते हैं। ए बर्ड्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, किस किस में डिवाइड किया गया, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। ट्रंक बियर्स द फीदर, अब जिस ट्रंक है उसी पे क्या लगे हुए हैं आपके फीदर्स, विंग्स, देखो फीदर भी इसी पे है, विंग्स भी इसी पे है, और लेग्स भी आपके इस ट्रंक पे ही लगे हुए हैं, ठीक है। अगला देखो, डिवीजन ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला है बच्चों पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों, जो ट्रीज़ की ब्रांचेस पे या तारों पे बैठ जाते हैं उनको हम पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं। द बर्ड्स हु सिट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड ऑन वायर्स आर नोन एज पर्चिंग बर्ड्स। These birds have three toes in front and one at the back। जो इनके ये पंजे होते हैं ना बच्चों, इनकी बात कर रहे हैं कि इनके क्या होते हैं, तीन टो इनके क्या होते हैं आगे होते हैं, और एक इनका पीछे होता है, जिससे ये ब्रांच को क्या कर सकते हैं अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, ग्रिप कर सकते हैं। द फ्रंट टोज आर लाइक फिंगर्स एंड बैक टो इज लाइक थम। जैसे हमारे फिंगर्स होती है बच्चों, इनके जो आगे वाले टोज हैं तीन, वो इनके फिंगर्स की तरह काम करते हैं, और जो पीछे वाला टो है वो इनका एक थम की तरह काम करता है। Their toes go round the branches to grip them firmly। अब जिनके toes होते हैं ये क्या करते हैं, जो branch होती है उसको क्या कर लेते हैं, एक तरह से round, मतलब round shape में उसको पकड़ लेते हैं, जिससे उनकी grip बनी रहती है और वो नीचे नहीं गिरते हैं। The grip is so tight that they do not fall off even when they sleep। ग्रिप इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा पकड़ होती है इनकी ब्रांच की और टोज के बीच में, कि जब ये सो जाते हैं तब भी ये नीचे नहीं गिरते। इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चों, स्पैरोज, क्रोज और पिजन्स इसके एग्जाम्पल हैं। अगला देखो बच्चों, क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग का, क्लाइंब का मतलब ही क्या होता है बच्चों, ऊपर चढ़ना। जैसे बर्ड्स हैं लाइक वुडपैकर एंड पैराकीट हैव फोर टोज। हमने देखा था वहाँ पे क्या था, टोज तो तीन टो आगे थे और पीछे वाला एक टो था, यहाँ पे इनके क्या है चार टोज हैं, जिसमें से दो आगे की तरफ हैं और दो पीछे की तरफ हैं। इन टोज की मदद से ये क्या करते हैं, ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं, क्लाइंब मतलब कि पेड़ के ऊपर ऊपर चढ़ सकते हैं, टू क्लिंग टू ट्रीज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके, वुडपैकर और टेराकीट। अगला देखो बच्चों, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। जो मांस खाते हैं वो कौन से बर्ड्स होते हैं बच्चों, फ्लैश ईटिंग बर्ड होते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टेलोन्स। दीज बर्ड्स यूज देयर क्लॉज टू ग्रिप स्मॉल एनिमल्स। क्लॉज मैंने बताया आपको पीछे का, जिनके पंजे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्लॉज बोलते हैं। ईगल्स, काइट्स एंड हॉक्स आर द बर्ड्स ऑफ प्रे दे है दैट हैव टेलोन्स, ठीक है। तो ये जो ईगल, काइट और हॉक्स हैं, ये क्या करते हैं, अपना शिकार अपने टेलोन्स से करते हैं। तो जो मांस खाते हैं उनके क्या होते हैं बच्चों, क्लॉज होते हैं। इनकी, इन क्लॉज को हम क्यों बोलते हैं टेलोन्स, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत तीखे होते हैं, मतलब तेज होते हैं, क्या होते हैं घुमावदार होते हैं, जिसमें ये उन छोटे छोटे एनिमल्स को पकड़ते हैं जिनको ये खाते हैं। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, सबसे छोटा जो बर्ड है पूरी वर्ल्ड में वो कौन सा बच्चों, हमिंग बर्ड है। उसका वेट कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको।